यहाँ आइए, प्रभु की कथा सुनिए। शिव महापुराण कथा होने वाली है पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से। हाँ, उसके भरोसे रहेंगे हम यहाँ पे 7 दिन। बोलिए हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कल से होने वाला है शिव महापुराण बनारस में बागेश्वर धाम। सरकार जी के बाद अब दूसरे नंबर पे आ गए पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो कि कल से होने वाला है यहीं पर शिव महापुराण। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो ये जगह है, ये गड़वा घाट जाता है ये रास्ता, और ये रास्ता जाता है आपका सामने घाट की तरफ, और ये ऊपर आपको दिखाई सुंदरी पुल, जी हाँ आप देख सकते हैं, और सामने ही है आपका स्वामी हर शिवानंद स्कूल। तो आपको बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आना है तो आप स्वामी हर शिवानंद वाले स्कूल पूछ करके आराम से आ सकते हैं। गड़वा घाट रास्ते पर आपको आना है, और आपको यहीं से बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी जहाँ हमें जाना है। तो लगभग 10 दिन ये प्रोग्राम होने वाला है। आगे आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सुविधाएं की गई हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने वाली है और बारिश का समय तो चल ही रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के बाद अब प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके आने की खुशी में यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं, तो आपको मैं पहले से बता देती हूँ कि 10 अक्टूबर से यहाँ आना है, और सुबह का टाइम होगा, टाइम एग्जैक्टली मुझे अभी कन्फर्म नहीं पता है। तो आगे चलते हैं, तो आगे आपको पूरी टाइमिंग बताएंगे, पूरा जगह बताएंगे, वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए आपको अब दिखाते हैं कि वहाँ पे आपको और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो चलिए हमारे साथ पूरी जानकारी देंगे कि आगे आगे क्या क्या और होने वाला है, प्रोग्राम कब तक चलने वाला है, और प्रोग्राम कब से स्टार्ट होने वाला है, और क्या सुविधाएँ यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और आपको पूरी की पूरी जानकारी हम बिल्कुल देंगे। तो देखिए यहाँ विश्व सुंदरी पुल है, और ये रास्ते कितने ज़्यादा पर्याप्त हैं। हम देखते हैं टेंट कहाँ लगाया गया है, क्या सुविधाएं मिलेगी आपको। ग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो देखते हैं टेंट कहाँ से कहाँ तक लगाया गया हुआ है। देख सकते हैं आप, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हर शिवानंद पब्लिक स्कूल पूछ करके गड़वा घाट के रास्ते पर आ जाइए, आपको बहुत आराम से टेंट मिल जाएगा। कल से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आप साधारण आमंत्रित हैं, आइए अपने फैमिली के साथ और शिव महापुराण का पूरा पूरा आनंद लीजिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारी पूरी जोश से तैयारी चल रही है यहाँ पर, पूरी यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि कल से श्रद्धालु आने लगेंगे, तो यह तैयारी एकदम जोश से चल रही है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, यहाँ पर तैयारी हो रही है, वहाँ पर तैयारी हो रही है, और अंदर टेंट देख सकते हैं यहाँ पर, कहीं टेंट छोटा ना पड़ जाए इस बात की मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है। टेंट जितना बड़ा ये ग्राउंड है, उस हिसाब से टेंट थोड़ी और बड़ी करवानी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। क्या पता कि और श्रद्धालु बढ़ जाएँ। तो तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है, और अब देख क्या होने वाला है, चलिए आपको और दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेंट के अंदर पूरी तैयारी चल रही है, काफ़ी बड़ा टेंट है, और यहाँ वर्कर लगे हुए हैं पूरे, इतने बड़े बड़े से यहाँ पर माइक लगे हुए हैं कि दूर दूर तक पूरी साउंड सुनाई दे। हमारे महाराज प्रदीप मिश्रा जी, इनका कल से आगमन है, और अभी पूछेंगे हम लोगों से भी कि टाइमिंग क्या होगी और क्या क्या सुविधाएँ और दरियाफ्त कराई जा रही हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं टेंट वेंट पूरा लगाया जा रहा है, कार्यक्रम तो कल से शुरू होने वाला है। तो लग रहा है यहाँ कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह सुरक्षित करनी शुरू कर दी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं लगेज वगैरह लेकर आए हुए हैं, जाहिर सी बात है ये बनारस के तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये बाहर के लग रहे हैं मुझे, और अपनी जगह भी ये लोग छेक रहे हैं, इतना बड़ा ये ग्राउंड है। और अभी उधर ही पूरा ग्राउंड को पूरा सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ हमें बहुत से हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, और हमारे हमें बहुत ही मोटिवेट करने को मिला, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत अभी से लग रहा है ना कि भगवान की दुआ हमें मिल गई है, दुआ हमारी कबूल हो गई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि किसी ने मोटिवेट किया हमको। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, और गुरु जी से ही पूछते हैं, यहाँ के जो सेवादार उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या सुविधाएँ हैं, और क्या क्या जो यहाँ के श्रद्धालु आने वाले हैं उनको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी, रहना खाना सब कुछ कैसे क्या होने वाला है। आइए चलिए हमारे साथ। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं यहाँ पर कि 10 अक्टूबर से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, आपको यहाँ आना है 10 अक्टूबर से। टाइमिंग एग्जैक्टली क्या है मैं पुष्ट बताती हूँ आप लोगों से, तो आइए चलिए।
इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी हम दे सके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आइए आपको अब मिलवाते हैं यहाँ के गुरु जी से, उनसे पूरी जानकारी एकदम कंफर्म मिल जाएगी कि आगे क्या क्या होने वाला है और गुरु जी का टाइमिंग क्या होगा, रहने खाने की क्या सुविधा मिलने वाली है हमको। तो आइए चलिए हमारे साथ और देखते कितना सुंदर ये पंडाल लग रहा है, आगे से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम जैसे वाराणसी का पर लुक उतार दिया गया हुआ है, इतना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। और इधर चल रही है, कुछ टोकन कट रहा है, यहाँ पर रसीद काटी जा रही है। चलिए पूछते हैं वहाँ पर रसीद किस बात की काटी जा रही है, रसीद के लिए क्या यहाँ पर क्या नियम है। तो आइए हमारे साथ, कट रही है यहाँ पर 5,000 की है। किस काम के लिए है ये? VIP पास के लिए है। VIP पास की जो आगे बैठेंगे उनके लिए है? हाँ, जो VIP सबका चैम्बर अलग अलग बना हुआ है। अच्छा, जो इधर स्टील जो रेलिंग हुई है उसके आगे बैठेंगे उनके लिए 5,000 की टिकट लगेगी। यस मैम। और ये कब से कब तक की प्रोग्राम होने वाला है? 10 से 16 तक चलेगी ये। हाँ, 7 दिन की टाइमिंग क्या होगी सर? 1 से 4। तो टाइमिंग होगी 1 से 4, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए यहाँ आना। और 10 से 16 तक का ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। अभी आपने देखा यहाँ पर टिकट भी कूपन काटे जाए, जिनको रेलिंग के अंदर बैठना है, जिनको VIP सुविधाएं चाहिए उनके लिए 5,000 रुपये की छोटी सी अमाउंट है यहाँ पर, जिनको आराम से दर्शन मिल जाएंगे, बाबा जी के एकदम पास से आपको दर्शन मिलेंगे, आपको शिव महापुराण सुनाई देगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कितने खर्चे करते हैं तो छोटा सा अमाउंट भी हम खर्च कर सकते हैं। और टाइमिंग की बात की जाए तो 1 बजे से दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक का टाइमिंग है। टाइमिंग आप ध्यान रखिएगा, दोपहर 1 से शाम के 4 बजे 10 तारीख से 16 तक का ये प्रोग्राम होने वाला है, 10 से 16 तक का। जी हाँ, समय और टाइमिंग दोनों आप याद रखिएगा और आना बिल्कुल मिस मत करिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शिव महापुराण कथा चलना, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से होगा, जो कि यहाँ गरवा घाट क्या कहते हैं सामने घाट में है, मलदहिया बाईपास के बीच सुंदर जो पुल है उसके नीचे होगा। तो आप लोग कृपया करके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और यहाँ पे शिव महापुराण सुनिए, दिनांक 10 से लेकर 16 दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ले। धन्यवाद। दिखाई दे जाएगा शिव महापुराण कथा और एकदम ही सुंदर से हमारे प्रदीप मिश्रा जी जिनके मुख से ये कथा होने वाली है। तो 10 तारीख से 16 तारीख तक ये चलने वाला प्रोग्राम, टाइमिंग पूरी आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको ये पूरा ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पूरी एड्रेस के साथ, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए यहाँ पर आना। बहुत ही जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार आए थे उनके आने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ उभरी थी, पर थोड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि बारिश का समय था। इस बार मुझे लगता है पूरी इंतज़ाम यहाँ की गई है कि बारिश का सामना इस बार आपको ना करना पड़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आइए फ्रेंड्स, हम पूछते हैं यहाँ के गुरु जी से कि यहाँ पे और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि 6 दिन चलने वाला ये प्रोग्राम है। तो और थोड़ी मौसम भी, कभी मौसम का ठिकाना तो है नहीं, कभी भी गर्मी, कभी भी सर्दी, कभी बारिश होने लग रही है। तो देखते हैं यहाँ पे पूछते हैं अभी गुरु जी से कि सुविधाओं के लिए और क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, ये प्रोग्राम कल से होने वाला है, कथा होने वाली है प्रदीप मिश्रा जी के मुख से, तो सर यहाँ पर क्या प्रोग्राम, क्या तैयारी की गई है? आदरणीय तो बारिश हो जाए, नहीं नहीं बारिश बाबा की कृपा से बनी रहेगी, तो बारिश भी नहीं होगा, और बारिश भी होगा तो काशी की धरती ऐसी है, पुण्य की धरती है कि कोई भी असुविधा किसी तरह का श्रोताओं को नहीं होगा, ये हम लोग को बाबा के ऊपर विश्वास है। प्रसाद की सुविधा भी की गई है? नहीं, प्रसाद की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, चूंकि ये एरिया माँ गंगा के तट पर है, सुविधा को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया कि किसी तरह का मतलब भदगढ़ होने की स्थिति बने, इसलिए ऐसा कुछ यहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं रखी गई है। पहले कंपाउंड मतलब इतने में था, ये चौड़ाई क्या बढ़ाई जा रही है? नहीं नहीं, ये पूरा जो एरिया इस कार्यक्रम के निमित्त लिया गया है वो 200 × 600 स्क्वायर फीट पर पूरा ये बनाया गया है, और इसमें अपना करीब 6,000 स्क्वायर फीट पूरा अपन वाटर प्रूफ है इसका।
पूरा एरिया। बाहर से आए उनके लिए क्या सुविधाएं दी जा रही है? यहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं है, माँ गंगा के तट होने के कारण, सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हैं कारण ऐसी कोई सुविधा रुकने की नहीं दी गई है। लेकिन अगर कोई फिर भी रुकता है तो निवेदन हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, और नहीं तो अगल बगल कुछ धर्मशालाएं व्यवस्था की गई है उनको, वहाँ कुछ व्यवस्था कुछ यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, खाने होने की व्यवस्था वो भी तैयारी चल रही है। खुद करेंगे कि आप ही लोग? व्यवस्था यहाँ के बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो कोई माँ अन्नपूर्णा के तट पर से कोई भूखा नहीं रह सकता, इसी विश्वास के कारण यहाँ के लोकल लोग इसका आयोजन कर रहे हैं अपनी तरफ से। एक बार प्रेम से बोल दीजिए हरा हरा महादेव। धन्यवाद। आप यहीं से हो या लोग क्या क्या बाहर से हो? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से आए हुए हो तो आप यहाँ पर कहाँ रुकोगे? मेरा मौसी का घर है यहाँ पे पांडेपुर में, मैं वहीं पर रहूँगा। वहीं पर रुकोगे आप? आप सुबह से यहाँ पे आए हुए हो क्या? नहीं नहीं, अभी जस्ट एक घंटा हो रहा है, एक घंटे पहले ही है। हफ्ते भर आप यहीं पर रहने वाले हो? एक हफ्ते भर तो नहीं रहेंगे, सुन के चले जाएंगे घर पे। गुरु जी के बारे में और आप क्या जानते हो? जानते गुरु जी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, वो सीहोर के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं बहुत अच्छा कथा करते हैं। और क्या तो हमने पहले भी सुनी हुई है, बहुत ही अच्छी उनके मुख से वाणी निकलती है, बहुत अच्छा संवाद कहते हैं, अच्छी कथा करते हैं। तो आप यहाँ पे अकेले आए हो या किसी के साथ आए हुए हो? मैं तो फिलहाल मैं यहीं पे पहले रह कर पढ़ाई करती थी, मैं अकेले ही आई हूँ। मतलब इस जगह से आप अनजान नहीं हो? नहीं नहीं, अनजान नहीं हूँ, बिल्कुल अनजान। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्था एकदम टनाटन वाली कर दी गई है, कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली इस बार। और पूरी हर बिल्डिंग केटिंग में की गई है कि इंसान अगर मतलब अगर बाय द वे अगर टेंट छोटा पड़ जाता है तो लोग यहाँ खड़े होकर भी आराम से कथा सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी इनके ऊपर भी कपड़ों को चढ़ाया जाएगा। स्टाफ यहाँ के हैं सब, यहाँ जो पार्किंग एरिया के लिए क्या इंतजाम किया कि लोग बाहर से भी आएंगे? पार्किंग उस तरफ है जो ओवर ब्रिज नहीं, उस साइड में पार्किंग की व्यवस्था बनी हुई है। ये इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इतना प्लेग्राउंड है, मतलब इतना ग्राउंड फिर भी मतलब टेंट फिर भी छोटा नहीं पड़ जाएगा आपको लगता है? नहीं, हम लोग तो अपने हिसाब से किए हैं सुविधा, अब छोटा तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। प्रयास हम लोग किए हैं। अच्छा। जो लोग बाहर से रूम के लिए क्या सुविधाएं की जा रही हैं? कुछ नहीं है यहाँ, सुविधा नहीं है कि इसलिए कि गंगा जी तरफ रखना दिक्कत है, अपना लोग रूम लेके लिए बाहर बाहर रह रहे हैं। तो यहाँ जो जनता आई हुई है हम थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि वो तो भाई आज ही जगह उन्होंने अपनी सुरक्षित कर ली हुई है, पूछते हैं कि क्या आपको सुविधा मिलने वाली है, क्या सोच करके आप लोग आए हैं, यहाँ रुकेंगे, यहाँ से जाएंगे, क्या करने वाले हैं, आइए पूछते हैं उनसे भी। तो मैम आप कहाँ से आए हुए हो? पुसद यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर? येवल मार्थ मराठवाड़ा विदर्भ, मराठवाड़ा से ये बता रहे हैं, विदर्भ उसमें विदर्भ। तो यहाँ पर आप कहाँ रुके हुए हो? हम जंगवाड़ी मठ में रुके थे। जगमवाड़ी मठ में ये रुके हुए हैं? अभी हम यहाँ रुकेंगे 7 दिन भी। हाँ, जाना 7 दिन आप यही रुकोगे? हाँ, तो खाने पीने के लिए आप लेडीज नहीं है, हम लेडीज है, हमारे पास जेंट्स नहीं है इसलिए। तो कैसे आप लोग आए हुए हो? ट्रेन से आए हुए हो? ट्रेन से। बाबा जी के लिए आपको इतना मन में आस्था है, कितनी दूर से आप लोग आए हुए हो? मुझे तो इतनी आस्था है कि मुझे बहुत अनुभव आ गए। अच्छा। हाँ, साक्षात्कार हो गए इसीलिए। अरे वाह, सब लोग चारों साथ में आए हुए? हाँ, हाँ। आप लोग एक ही स्टेट से हो? हाँ, एक ही। तो खाने पीने के लिए कैसे क्या करोगे आप लोग? जैसा हो वैसा, वैसे हम खाने का वही टेंशन नहीं लेने का, फिर भी कुछ तो वो तो भगवान तो नहीं भगवान तो भूखा। और यहाँ पे एक बात कही गई वाराणसी में कि कभी भूखे आप आओ, भूखे आप सो नहीं सकते, तो आप भगवान आए उसके भरोसे रहेंगे हम यहाँ पे 7 दिन। 7 दिन तो खाना है हम, उपवास करेंगे। अच्छा, एक टाइम खाना खाएंगे, कार्तिक 7 दिन उपवास भी करेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम शाम को। अच्छा। हाँ, पोथी छुटने के बाद कभी। यहाँ से काफी दूरी पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है, कहीं मिलो मोल मिलो या सेवा में मिला, जैसा मिला वैसा खाएंगे। भगवान का प्रसाद, भगवान का। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, बताइए आप कहाँ से आए हुए हो? यहाँ पर लगेज लेके आए होगे, रहने के लिए आए होगे? नहीं, हम लोग आए गाड़ी करके आए हम लोग। तो क्या तुम चले जाओगे? अभी यही है, अभी एक दो दिन है, तो कल परसों की कथा सुनते। यहाँ पर कहाँ रुको? यही रुकोगे? अच्छा, और कहाँ रुकेंगे? बाबा के भरोसे आए, वही रोकेंगे, वही खिलाएंगे और उन्हीं की सेवा करेंगे।
एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जबलपुर के हैं, जबलपुर के हो? हाँ, हम तो आए हैं, वो 8 दिन रहेंगे। विश्वास रखिए, आप हाँ। राज धरती पे आए हो तो बिना खाए बिना पिए हाँ, रहे आएंगे। हाँ, आप खा पी कर सोगे? हाँ, हर महादेव। तो जगह की बात करते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा ये कंपाउंड है और अभी मैं जहाँ पर हूँ, मैं बताया आपको ये गड़वा घाट है। तो जगह आप याद कर लीजिए, टाइमिंग आप समझ लीजिए कि दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक की टाइमिंग है। दिन कल से मंडे है, सोमवार है, सोमवार से लगभग 10 तारीख से 16 तारीख तक चलने वाला ये प्रोग्राम है। तो आप बिल्कुल भी आना मिस मत करिएगा। और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे रानवा पुल दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना सुंदर लग रहा है ये पुल। ये रामनगर का पुल है और अभी हम जहाँ पर हैं वो है गड़वा घाट। मैं बाबा आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ आना मिस मत करिएगा, कहीं से आपको कोई कमी ना हो, कोई टाइमिंग का आपको कोई इशू ना हो। तो इसलिए मैं बाबा आपको रिमाइंडर करवा देती हूँ। और आप यहाँ आइए, प्रभु की कथा सुनिए, शिव महापुराण कथा होने वाली है पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से, जो कि अमृतबाड़ी कहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड भी करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर महादेव।